आर्ट है कुछ भी चाइनीज नहीं है नहीं। क्योंकि प्रोफाइल बनी हुई है या कोई मोल्डिंग्स बनी हुई हैं फ्रेम्स बने हुए हैं घर के अंदर फ्रेंच मोल्डिंग्स हैं आप मतलब कुछ अट्रैक्ट कर रही है तो ये पेंटिंग्स कर रही है भरुण, लग भरुण, ये तो है ही मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट ट्रेंडिंग पेंटिंग्स तो प्लीज सपोर्ट करिए इंडियन आर्ट को हेलो पुनीत जी वेलकम बैक टू तो अर्चित आर्ट गैलरी आज आप कीर्ति नगर लोकेशन में हैं आपको इंट्रोडक्शन देने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट फिर भी जो इतने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं न्यू व्यूअर्स हैं आपके चैनल पे, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ हमारी ये जो गैलरी है ये कीर्ति नगर बेस्ड है हमारी दो गैलरीज हैं एक गोल मार्केट में है एक कीर्ति नगर में है हम लोग इस बिज़नेस में सिक्सटी ईयर्स से हैं अगर आप अपने घर के लिए अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी हॉस्पिटैलिटी किसी तरीके की रियल एस्टेट के लिए वॉल डेकोर देख रहे हैं कैनवस के अंदर वाटर कलर आर्ट के अंदर आप हमें कांटेक्ट कीजिए आप हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी रीजनेबल आर्ट यू नो क्यूरेटर्स के तरीके से जाना जाता है हमारे पास मतलब एट अ टाइम अराउंड टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड आर्ट पीसेस रेडी में रह, रह, रहते हैं आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कितना सारा आर्ट है जो कि रेडी है फ्रेम्ड है आप आइए हमारी गैलरी विजिट कीजिए आर्ट देखिए एंड आई एम प्रटी श्योर यू विल नॉट रिग्रेट कमिंग टू आर गैलरी हमारे पास स्टूडेंट्स का भी आर्ट होता है हमारे पास वेरी सीनियर आर्टिस्ट का भी आर्ट होता है हमारे पास बिगनेस का भी आर्ट होता है हमारे पास कुछ जो कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों का भी आर्ट होता है हमारी कलेक्शन जो है ना वो फाइव हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्ट होती है एंड गोज़ टू एनी लेवल राइट तो आई एम प्रटी श्योर यू विल नेवर रिग्रेट मैं आज की वीडियो के अंदर ना आपको अलग अलग, अलग आर्ट फॉर्म्स दिखाऊँगा अलग अलग आर्ट साइजेस दिखाऊँगा अलग अलग आर्ट कलेक्शन दिखाऊँगा और उस बेसिस के ऊपर उनके प्राइस बताऊँगा साइजेस बताऊँगा कैसे वो आप आर्ट प्रिक्योर कर सकते हैं वो भी बताऊँगा और ये आर्ट किसने बनाया है कितने का है कितने टाइम में डिलीवर हो सकता है कैसे हो सकता है आपको मैं सारी वीडियो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स दूंगा ठीक है तो आर्चर आर्ट गैलरी जैसे सब जानते हैं रीजनेबल आर्ट के लिए जानी जाती है, है। हैंडमेड आर्ट के लिए जानी जाती है जिसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग जैसे सर ने बताया कि एक स्टूडेंट भी है जो इस गैलरी में दे रहा है एक जाना आर्टिस्ट भी है जो इस गैलरी में दे रहा है ठीक है तो हर तरीके की आर्ट आपको यहाँ मिल जाएगी और बार बार दोबारा बोलूंगा कि रीजनेबल आर्ट हम इसे करेक्ट रीजनेबल प्राइस पर मिलेगी ये तो आप अभी आपको मैं अपनी वीडियो के अंदर जब सारे प्राइसिंग बताऊंगा ना आपको अपने आप ही जज कर जाएंगे कि क्या हम रीजनेबल हैं क्या हम प्रीमियम हैं या क्या हम अफोर्डेबल ठीक है स्टार्ट करते क्या दिखा रहे हैं सबसे पहले so, ये देखिए ये हमारा एक तीन पीस का सेट है जो की एबस्ट्रैक्ट में बना हुआ है ये पेपर के ऊपर काम हुआ, हुआ हुआ है ये थ्री पीस टू का ठीक है है इसका रिटेल प्राइस सिमिलरली आप नीचे देखेंगे वाटर कलर के अंदर आ, ये बाबा जी की फोटो बनी हुई है ये पंद्रह सौ रुपए का सिंगल पीस है सिंगल पीस है ऐसे ही आप देखेंगे ये पिछवाई ये पिछवाई पिछवाई आर्ट आर्ट बना हुआ है आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं थ्री पीस का सेट भी ले सकते हैं ये थ्री पीस का सेट आपको फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज का पड़ेगा सिंगल पीस लेना चाहते हैं आप फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का ठीक है ये हमारा वेरी वेरी फेमस वेरी वेरी हॉट ट्रेंडिंग मोस्ट सेलिंग आर्ट है ये फौ, गोल्डन फॉइल के ऊपर बना होता है ये थर्टीन हंड्रेड रुपीज का थ्री पीस का सेट है थ्री पीस का सेट है आ, अच्छा ये थ्री पीस का सेट है अगर कोई बोलता है मुझे सिर्फ एक सिंगल पीस चाहिए इनमें से सिंगल तो भी पीस भी दे देंगे बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपकी बड़ी वॉल है तो आप तीन पीस का कोलाज में लगाइए तो थोड़ा सा ओवरऑल प्रोफाइल जो है उसकी अच्छी लगती है ठीक है अभी बहुत कुछ जगह पर मेरे को जो भी जो मतलब कुछ अट्रैक्ट कर रही है वो ये पेंटिंग्स कर रही है ब्लैक एंड ये तो है ही मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट ट्रेंडिंग पेंटिंग्स ये ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ है इसका साइज है फिफ्टीन बाय 12 इंच वर्टिकल आर्ट है इसमें आपको अभी एट अ टाइम मेरे पास 40 टू 50 पेंटिंग्स uh, रेडी में पड़ी हुई हैं आप अगर जैसे मैंने पहले बताया ये अगर बार एरिया में स्टूडियो रूम्स में किड्स एरिया के अंदर या किसी होटल प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये पेंटिंग्स आप लगा सकते हैं इनका प्राइस है एट फिफ्टी रुपीस सिंगल पीस एट फिफ्टी रुपीस मतलब हैंडमेड पेंटिंग्स भी आपको एट फिफ्टी में मिलेगी मार्केट में लोग क्या करते हैं जो डिजिटल प्रेटिंग्स होती है राइट उन्हीं के प्राइस मेरे ख्याल से एट हंड्रेड देते उससे ज़्यादा ही देते और आपको हैंडमेड मिल रही है और मैं स्टार्टिंग में आपसे एक बात पूछ लूँ मैंने सोचा था कि बाद में पूछूंगा पर अभी पूछ रहा हूँ मैंने आजकल बहुत सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लोग पेंटिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो right. क्या होता है वो सी देखिए पेंटिंग्स ना बहुत अच्छा एसेट है इन्वेस्ट करने के लिए बट इट्स अ कंडीशनल थिंग सी जिस आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाई है आज राइट right? टुडे हमारे पास तो जो वो आर्टिस्ट होगा वो एमेचर होगा बिगनर होगा लर्नर होगा स्टूडेंट होगा लेट सपोज वही आर्टिस्ट आज से दस साल के बाद एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है किसी सेलिब्रिटी ने उसका आर्ट ले लिया या किसी ने इसको एंडोर्स कर लिया ब्रांड कर लिया तो वो आपने जो आर्ट लिया है उसकी भी वैल्यू उसके हिसाब से बढ़ जाए क्या बात है तो इसी तरीके से इन्वेस्टेबल आर्ट जो है इंडस्ट्री के अंदर बड़ा फेमस हुआ है मतलब आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे मिस्टर राजा जी हैं यू नो मोहम्मद जी हैं उन सब का आर्ट ऐसे ही इन्वेस्टेबल बना था कि उस पर्सनैलिटी जब ब्रांड हो गई जब वो बड़ी बन गई तो वो अब इसी तरीके से मैं आपको एक आर्ट दिखाता हूँ मतलब हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारी नजर के हिसाब से वेरी वेरी फाइन क्वालिटी मेरे पास ये आर्ट आया है राइट right? मतलब बहुत रेयरेस्ट आर्ट होता है ये वाटर कलर के अंदर ये पेंटिंग्स बनी हुई है मतलब आप खुद देख सकते हैं ये दिस आर्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वर्ड्स ये इसका जो साइज़ है एलेवन बाई फिफ्टीन इंच का साइज़ है फॉर नाउ ये विदाउट फ्रेम्स हैं मेरे पास मोस्टली डिमांड्स भी आती हैं कि कुछ विदाउट फ्रेम की कलेक्शन दीजिए क्योंकि बहुत सारी होटल इंडस्ट्री अपनी लॉबी के अंदर कॉफी टेबल्स के ऊपर बेड्स के ऊपर क्लाजेस यूज करना चाहती है बट विदिलर थीम एंड दे वॉन्ट टू यूज फ्रेम एज पर देर ओन इंटीरियर स्टाइल तो मैंने ना ये विदाउट फ्रेम की कलेक्शन भी रखी हुई है यू वॉन्ट बिलीव मैंने इसकी जो प्राइजिंग रखी हुई है मतलब पीपल आर शेग टू तो मी यार इतना चार्ट आप इतने कम प्राइस में क्यों बेचते हो जी जी ऐसा नहीं है ये कम प्राइस है ये क्योंकि बल्क में लिया जाता है ना तो इसकी इकोनॉमिक्स मैच हो जाती है तो ये सिंगल पीस विदाउट फ्रेम ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज के अंदर है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर मैं आपको पूरी कलेक्शन लेनी हो पूरी कलेक्शन दे दूंगा एक पीस लेना हो एक पीस दे दूंगा इसके जो भी कुरियर चार्ज लगेंगे बहुत नॉमिनल एज़ पर दी स्टैंडर्ड कोरियर प्रैक्टिस वो कुरियर चार्ज आपको एक्चुअल में चार्ज हो ठीक है तो अभी एक ही आर्टिस्ट ने ये सारी आर्ट बना रखी है जो वाटर कलर पेंटिंग है ये सारी Right. तो इस पे आर्टिस्ट का नाम भी है अगर इन केस अगर आपने ये ली और ये आर्टिस्ट दस साल बाद फेमस हो गए Correct. तो ये आपके ट्वेल्व नहीं है। नहीं। नहीं है। तो हंड्रेड एक डेकोर यूज हो रही है right. और एक इन्वेस्टमेंट भी होगी अब आपको कुछ बहुत रीजनेबल कमर्शियल आर्ट्स भी दिखाता हूँ जो की मतलब लेवल का काम है ये देखिए बहुत अच्छे ये साइज है टू बाई फोर फीट वेरी वेरी रीजनेबल आर्ट राइट ये फाइव थाउजेंड रुपीज का पेंटिंग है हैंडमेड कैनवस पेंटिंग है मतलब इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ वर्क द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी दैट दैट वी वी आर डिलीवरिंग बिलीव इट्स वेरी रीजनेबल आज की डेट में जो आर्ट लाखों में बेचता है ना हम वो आर्ट उस उसूटेड प्राइस में नहीं बेचते वी वॉन्ट टू बाई इन बल्क वी वॉन्ट टू सेल इन बल्क राइट right? और आप अपने हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ एक अपनी मास्टर वॉल को सजाइए हम चाहते हैं कि जो पचास हजार साठ हजार रुपये का बजट आप लेके चल रहे हैं फॉर कैनवस पेंटिंग्स आप उसमें अपना पूरा घर सजाइए ठीक है राइट right? इसी तरीके की मैं आपको एक और अच्छा काम दिखाता हूँ हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका काम है ये ठीक है इसकी पेंटिंग की गहराई देखिए नहीं मैं, मैं पहले ये दूर से एक डिजिटल पेंटिंग लग रही है यही तो सबसे बड़ी खूबियत है हाँ। कोई भी पेंटिंग हाथ की बनी हुई अगर आपको डिजिटल लगे तो यही सबसे बड़ी स्पेशलिटी है है उस पेंटिंग की मजेदार मतलब इस तरीके के सब्जेक्ट को अगर आप अपने बेडरूम्स में लगाएं अपने लिविंग रूम्स में लगाए राइट तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स अगेन दिस इज फिफ्टी फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है।, ठीक है ठीक है अब आपको मैं थोड़ा सा अपना यू नो अच्छा और आई वुड से थोड़ा सा लग्जरी कलेक्शन दिखाऊंगा ये पेंटिंग देखिए ये ऑयल पेंटिंग बनी हुई है यूरोपियन आर्ट स्टाइल है राइट right? इसका जो साइज है वो थ्री बाय फोर फीट का साइज है राइट right? ये भी मेरे वन ऑफ दलेक्टेबल्स में है मतलब आई कैन से कि मेरे पास ना मेरे को शौक होता है कुछ कुछ पेंटिंग्स लेके कलेक्ट करना और उसको मतलब अपने पास रखना तो मैंने अपनी कलेक्टेबल्स में से ये एक यूरोपियन आर्ट निकाला था आई वुड लव टू यू नो शो यू शो दिस आर्ट ऑन चैनल राइट आपके व्यूअर्स अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर, कर सकते हैं mm -hmm. इस, ये और एक और ये पेंटिंग देखिए ये भी पेंटिंग बहुत शानदार है ये बड़ा है साइज काफी ज्यादा ये थ्री बाय फाइव फीट का साइज है विद फ्रेम ये अराउंड फोर्टी बायस इंच का साइज बन जाता है राइट वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग आर्ट देट आई वु इन आर गैलरी राइट एक ये काम देखिए ये काम वर्टिकल आर्ट फॉर्म है mm -hmm. पोर्ट्रेट में बना हुआ है राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग्स है उसी से इंस्पायर्ड है ये नगों का काम हो रखा है राइट और वेरी वेरी, वेरी ब्यूटीफुल मतलब जो भी मेरी गैलरी में आता है बहुत एडमायर करता है इस आर्ट को काफी बड़ा है अगर आपका डबल हाइटेड घर हो तो आप वो मतलब इसको आप लगा सकते हैं ठीक है एक ये देखिए टेक्स्चर आर्ट है टेक्सचर आर्ट ये जैसे अगर आपको अपने किड्स रूम में इसको लगाना हो ये तीन पीस का सेट है ये सिंगल पीस सिक्स थाउजेंड रुपीस का है बट आई वुड सेल इट एज थ्री पीस सेट क्योंकि अच्छा भी तभी लगे मतलब सिंगल पीस ये अच्छा भी नहीं लगता तो तीन पीस आप एटीन थाउजेंड रुपीज़ में आप हमसे ले सकते अब ठीक है देखिए मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ आर्ट बैकग्राउंड से नहीं हूँ मुझे अपने घर के लिए लेना है या कोई और भी आता है उन्हें नहीं पता कि यार मैं किस तरीके की आर्ट लूँ तो आप उनको कैसे बताते हैं ज़रूर नहीं इसके अंदर तो हम अपनी पूरी हंड्रेड परसेंट कंसल्टिंग देते ही देते हैं मतलब अगर आपका लेट सपोज कोई होटल प्रॉपर्टी है आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन कौन सी वॉल्स को डेकोर करूं कौन कौन सी वॉल्स को डेकोर ना करूं आप हमें अपने रूम्स की पिक्चर्स भेजिए सबसे पहला स्टेप सेकेंड अगर आपका अपना खुद का घर भी है तब भी आप, आप, आप हमारे को अपने रूम्स के एरियाज़ के वीडियोज भेजिए पिक्चर्स भेजिए उसको देख के हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि देखो आपके टेस्ट के हिसाब से आपके डेकोर के हिसाब से आपकी फर्निशिंग के कलर थीम्स के हिसाब से आर्ट आर्ट विल विल लुक लुक बेटर बेटर नॉट अगेन चॉइस इज बट हम आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे अब ये देखिए बहुत सुंदर ये पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी नज़र बार बार इस पे जाएगा राइट वन ऑफ दी मोस्ट सेलिंग आर्ट आता है ये साइज है तीन बाय चार फीट का साइज राइट right? ये भी कैनवस पेंटिंग है एक्रेलिक कलर्स के अंदर बनी हुई है राइट अगेन वर्ल्ड वाइड शिपमेंट है इसकी आप कहीं भी मंगवाइए ये आर्ट में आपको विद फ्रेम विदाउट फ्रेम डोर टू डोर डिलीवरी दे सकता हूँ ठीक है सिमिलरली मॉडर्न आर्ट के अंदर हमारे पास कुछ लेडी फिगर्स हैं पोर्ट्रेट्स के अंदर इस काम को देखिए मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या बात है रियलिस्टिक पेंटिंग के अंदर आती है ये एक काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट का काम हुआ हुआ है कैनवस पेंटिंग पे इसका भी साइज थ्री बाय फोर फीट पे है ठीक है ठीक है तो ये तो सारी रेडीमेड आर्ट्स होगी जो पहले बनी हुई है वो आपने रखी हुई है करेक्ट कुछ कस्टमाइज भी करवाते हैं क्या आप एबसोल्यूटली जैसे अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है जो हम आर्ट बेच रहे हैं वो आपकी थीम टेस्ट इंटीरियर के साथ मैच हो जाए या जो साइजेस हमारे पास हैं uh -huh. तो आप हमारे को अपनी पसंद का कोई भी आर्ट अगर हमारे को देंगे या आप अपनी डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो उससे रिलेटेड

रुपये की पेंटिंग लेने के लिए चार हजार रुपए का कोरियर ओके है नहीं होके क्योंकि तो एक, एक, एक पेंटिंग सात पेंटिंग मंगवाओ लगभग कोरियर चार्ज उतना ही लगता है तो ये आपका कॉल है एज अ सर्विस वी प्रोवाइड सर्विस एज पर योर चॉइस ठीक है इसके बाद क्या दिखा रहे हैं ये देखो मैं अब आपको एक और काम दिखाता हूँ नाइफ आर्ट है एक काफी सीनियर आर्टिस्ट का काम है मतलब ये काफी बड़ा साइज है थ्री बाय फाइव फीट इनर पेंटिंग का साइज है अगर आप इसका क्लोजअप आके देखेंगे ना मतलब सारा सब्जेक्ट नाइफ को यूज करके कलर्स को यूज करके बनाया गया है बनारस घाट की पेंटिंग है आजकल घाट एज अ टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है मार्केट के अंदर है। ट्रेंडिंग भी है और बहुत सूदिंग भी लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट मेरे मैंने अपने घर में इस आर्टिस्ट की पेंटिंग लगा रखी है राइट और मतलब मेरे जितने भी अच्छे क्लाइंट्स हैं वो इस आर्ट को और इस आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये साइज है थ्री बाई फाइव फीट ये ओरिजिनल पेंटिंग है है राइट साइंड भी है आर्टिस्ट का तो अगर आप इस तरीके के काम को लेना चाहते हैं आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको विद फ्रेम या विदाउट फ्रेम एज पर योर चॉइस दे दूंगा ठीक है अभी तो आप खुद सेल कर रहे हैं ये आर्ट करेक्ट पर मुझे सोशल मीडिया पे काफी डी आते हैं मैसेज आते हैं कि हमें अपनी आर्ट बेचनी है तो आप वो करते सुलूटी जितना भी आप आर्ट देख रहे हो ना ये हमारे जैसे आर्टिस्टों का ही आर्ट है अगर आप खुद एक आर्टिस्ट हैं आप अपना कलेक्शन दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए उसका साइजिंग बताइए अगर आपके पास कितनी क्वांटिटी है एक है दो है दस है जितनी भी क्वांटिटी है सेल हो सकता है तो एब्सोलूटली वी विल बाइड नंबर वन वी डोंट कीप आर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए इवन हमारे बायर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है हम सारा पैसा आर्टिस्ट को अप फ्रंट देते हैं और उसके बाद जाके हम आ, यू नो उसको सेल करते हैं मोस्ट ऑफ द गैलरीज कीप आर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस वो हम वो काम नहीं करते, नहीं करते इसका ये भी एक रीजन है कि हम आर्ट बड़े रीजनेबल में बेचते हैं बिकॉज हम लोगों ने उसको परचेज कर लिया है अब उसके ऊपर हम बड़ा ही नॉमिनल मार्जिन रख के उसको आर्ट को चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेल आउट हो जल्द से जल्द दोबारा उस आर्टिस्ट को काम मिले और उसकी प्रैक्टिस हो और वो एक अच्छा आर्टिस्ट बने ठीक है तो आप एक रीजनल प्राइस पर बेच रहे हैं और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ये पूरी क्वांटिटी ले लेते हैं तभी आपको इतनी सस्ती पड़ती है और एक आर्टिस्ट को भी हाँ एक टोटल अमाउंट मिल जाता है करेक्ट. उनको सही लगता है ये तो पीछे क्या मैसेजेस आए थे कि यार इतनी आप कम प्राइस में ये आर्ट बेच रहे हैं कैसे करेक्ट. बेच रहे हैं आप करेक्ट

तो ये स्टूडेंट फाइव हंड्रेड रुपीज का सब्जेक्ट है ठीक है ये सीनियर आर्टिस्ट होते तो इस आर्ट की प्राइस फिर अलग की होती, होती। बट क्योंकि ये स्टूडेंट का काम है तो इसलिए ये प्राइसिंग का अब थोड़े ये दिखाते एक बार करेक्ट ये अगेन वाइड फ्रेम्स में हमने कार्बन पेन के अंदर ये सीरीज लॉन्च की हुई है mm -hmm. अगर आप इसको बहुत डिटेल में देखोगे ना वेरी वेरी माइन्यूट वर्क मतलब ये काम को कंप्लीट करने में एक एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में दो से ढाई घंटे लग जाते हैं एक आर्टिस्ट को और हम उन आर्टिस्टों से ना सौ सौ डेढ़ सौ इकट्ठे ऑर्डर लेते हैं मतलब वो हमारे साथ एक एक महीने तक ऑक्यूपाई हो जाते हैं और ये हमारे लिए कलेक्शन बनाते हैं ठीक है ये पूरी सीरीज सिंगल पेंटिंग आपको मैं थाउजेंड के अंदर रिटेल प्राइस में देता हूँ मतलब आई डोंट थिंक की मार्केट के अंदर कोई हैंडमेड पेंटिंग्स इस प्राइस रेंज में विद फ्रेम ये प्राइस देता है कभी भी मैं बस ये बोलूंगा कि अगर कोई भी ये पेंटिंग्स लेना चाहता तो एक सिंगल प्रॉपर्टी में सारी लगे ना तो मजेदार है ये Absolutely, ये एब्सोल्युटली तो मतलब एक चाम ही एक ही अलग आता है अगर एक सीरीज अगर सीरीज किसी प्रॉपर्टी में लगे ना तो उसका एक अलग ही नेक्स्ट लेवल चाम आता है राइट आपको मैं एक और तरीके की चीज दिखाता हूँ मैं राजस्थान ट्रैवल किया था तो राजस्थान से मेरे को बहुत अच्छा आर्ट मिला था बहुत अच्छे अच्छे रीजनल आर्टिस्ट भी ज्वाइन हुए थे वो लोग टाइल के ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं ये देखिए ये ज्वेलरी का आर्ट फॉर्म है जी पत्थर है वो उस पत्थर के ऊपर ये ज्वेलरी का काम हो रखा है ये पीछे पत्थर आ गया ये पीछे पत्थर है। राजा रानी के सेट है पेयर बने हुए मतलब मतलब काम अगर आप देखो ना तो मुझे एक्चुअली में बोलने की जरूरत तो नहीं है कि कितना डिटेल्ड में काम हो रखा है ये कलेक्शन जब मैं लेकर आया था ना तो मेरे दो तीन ऐसे डिप्लोमेटिक और आर्मी साइड के कस्टमर्स आए जिन्होंने मेरे से ये बहुत ज्यादा बल्क में लेके ना फॉरेन नेशनल्स या किसी इवेंट्स के ऊपर गिफ्टिंग में बहुत अच्छा यूज किया था तो आप भी अगर इसको गिफ्टिंग में यूज करना चाहते हो तो ये बड़ी रीजनेबल कलेक्शन है ये जो आप सर्कुलर आर्ट देख रहे थे ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज की है ठीक है और सिमिलरली ये जो आप राजा रानी का सेट देख रहे थे ये फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का सिंगल पीस है तो ये आप सॉरी आप कह रहे हैं ट्वेंटी ऊपर से पीछे नेचुरल हमारा नेचुरल मार्बल है में वही मार्बल नेचुरल एक ही बात है करेक्ट पर उस पर इतना अच्छा आर्ट करेगा प्राइस ज्यादा नहीं है मार्केट तो में मार्बल मार्बल के लोग पच्चीस मांग लेते हैं ठीक है पर आर्ट है कितना सुंदर करा गया और गिफ्टिंग पर्प के लिए बेस्ट है जो सर ने बताया तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस ज्यादा नहीं है मेरे पास बहुत ही कम है अब मैं भी बोल रहा आर्टिस्ट का आर्टिस्ट के आप दे रहे हैं सर डेढ़ सौ दो सौ भी है बहुत अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है या कोई बनी हुई हैं है, है, आप इस तरीके के काम को एज अ सेट ऑफ टू भी परचेज कर सकते हैं ठीक है आगे आएंगे मैं आपको एक काम दिखाता हूँ ये पिछवाई आर्ट है वन ऑफ माय फेवरेट आर्ट अगर मैं बोलूंगा ऑयल पेंटिंग के अंदर ये बना हुआ है एंटायर पेंटिंग इज हैंडमेड मतलब इस तरीके के आर्ट को कंप्लीट करने, करने के अंदर पंद्रह से बीस दिन लग जाते हैं किसी आर्टिस्ट को सिंगल सिटिंग के अंदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल आर्ट और अब ये परचेज करना है ये हमारा जो रिटेल प्राइस है ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज है इस आर्ट का ये वाला और ये वाला इसके साथ इसके साथ में ये देखिए जेबरा है ये भी एक अच्छे सीनियर आर्टिस्ट का काम है सुपर हाई क्रिएटिविटी का काम देख रहे अट्ठारह हजार रुपए की जेब्रा की आर्ट है तो अगर आपका जैसे स्टूडियो है राइट आप मतलब एक टीन हो आप अपने रूम में इस तरीके का सब्जेक्ट यूज करना चाहते हो तो आप इसको लगा सकते हो अब लास्ट में मैं आपको ना कुछ ऐसी कलेक्शन दिखाता हूँ बहुत छोटे छोटे साइजेस हैं मैंने पूरा का पूरा कैनवास बना रखा है अपने छोटे साइज में ये देखिए जो मधुबनी का आर्ट है ये सेवन फिफ्टी के अंदर है ठीक ये आप मोन्यूमेंट सीरीज अगर आप देख रहे हो तो एटीन हंड्रेड की है आप ऊपर ट्री सीरीज देख रहे हैं तो येलो और ब्लू में ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज का है ठीक है फिर ऐसे ही आप आ, आ, ट्री वाला स्ट्रक्चर देखेंगे छोटे साइज में वो सेवन फिफ्टी रुपीज़ का है अगेन नेचर आर्ट सीरीज़ देख रहे हैं जो फोर पीस का नेचर है आ, वो सेवन फिफ्टी रुपीज़ का सिंगल पीस है राइट उससे नीचे आएंगे ये रेड येलो ब्लैक ब्लू वाली सीरीज है फाइव हंड्रेड रुपीज़ की है तो आपको ये फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड रुपीज़ के अंदर काफ़ी सारा होम डेकोर मेरे पास मिलेगा जो कि आप उसको मिक्स करके अपने वॉल्स के अंदर लगा सकते हैं आप अपने लॉबीज में लगा सकते हैं अपने घरों में लगा सकते हैं आप अपने लिविंग रूम्स में लगा सकते हैं किड्स रूम में लगा सकते हैं जहाँ आपका जहाँ आपको ठीक लगे ठीक है तो अगर आप सेल करना चाहते तो सर से कॉन्टेक्ट करिए राइट और एक रीजनेबल आर्ट लेना चाहते हैं तो सर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं uh, मेरे ख्याल से कस्टमाइजेशन जैसे सर ने बोला हो जाएगी एब्सोटली अगर कोई कहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का चाहिए तो वो भी करवाते हैं क्या देखो वो हम ट्राई कर सकते हैं प्रिक्योर करना है अगर छेकर. आपको कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट का काम चाहिए मतलब ये तो हमारा हमेशा ट्राई होता है कि हम आपको रीजनेबल प्राइजिंग में वो आर्ट दिलवाएं बट वो रीजनेबल प्राइजिंग में फिर अगर आपको एक चाहिए तो आपके यहाँ पे पांच हमें भी लेने पड़ेंगे तब जाके वो छह बैठेगा तो वो रीजनेबल बैठता है तो वो सारी चीजें हम आपके लिए जरूर एफर्ट्स डालेंगे ऐसा नहीं है कि वी विल एवर से नो आ, नो टू यू यू बट देखो पे प्राइसिंग बैठ सकती है या जहाँ पे डील बैठ सकती है उस आर्टिस्ट के साथ वी विल ऑब्वियसली ठीक है तो वॉल के लिए वैसे बहुत बहुत सारे होम डेकोर प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में पर मैं अपनी तरफ से बोलूँ कि आप ये मतलब ये आर्ट लीजिए ये अपनी हैंडमेड पेंटिंग्स लीजिए क्या होता है कि भैया ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट जो बना सकते हैं चीज करेक्ट और ऊपर से एक इन्वेस्टमेंट बात मैं आपको एक और चीज बनाना चाहता हूँ हमारी गैलरी के बारे में बहुत यूनिक है हमारे पास आप जितना भी कलेक्शन देख रहे हो ना सारा इंडियन हैंडमेड आर्ट है ये कुछ भी चाइनीज नहीं है

बट अगेन आपको रीजनेबल आर्ट लेना है हैंडमेड लेना है अर्चित आर्ट गैलरी आप ये मत बोलिए कि चाइनीज बड़ा सस्ता है सस्ता नहीं आता बहुत महंगा महंगा बेच रहे हैं <laughs> मैं खुद बोलूंगा कि उससे अच्छा आप ये लीजिए देखो हमारा रीजनेबल बेचने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा आर्ट इंडियन आर्ट मिडिल क्लास हाई क्लास हर जगह पहुंचे अलग जितना ज़्यादा हम ट्राई कर सकते हैं ना हमारा आर्ट पहुंचे हमारे आर्टिस्टों का काम पहुंचे आई डोंट थिंक कि मैं इन रेटों से नीचे भी कोई काम कर करके या ऊपर कर करके इतना ज़्यादा फैला सकता हूँ अपने आर्ट को तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इंडियन आर्ट को तो थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मुझे मौका दिया आपने कि मैं आपका ये रीजनेबल आर्ट दिखा सको एक बार फिर से अपने चैनल पर धन्यवाद आपका थैंक यू